आज हम बनाने वाले हैं मिट्टी की हांडी में मटन करी विलेज स्टाइल, गांव के स्टाइल से बनाएंगे हम। तो हम बनाना शुरू करते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट पिसा हुआ डाला है। इसके अंदर साबुत लहसुन भी डलता है, गाँवों में अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। और टमाटर भी वो लोग काट कर डालते हैं, तो मैं टमाटर पीसे हुए डालूंगी क्योंकि मुझे सहरी के लिए बनाना है, तो जल्दी जल्दी बन जाएगा ये फटाफट। तो टमाटर हमारे पीसे हुए रखे थे तो मैं वो डाल देती हूँ, आप चाहें तो आप टमाटर काट के डाल सकते हैं। तो मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं और इनको पीस लिया है, और ये 2 बड़ी प्याज ली है, इनको भी पीस लिया है। आप चाहें तो प्याज भी इसमें काट के डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, टेस्ट तो वही आता है ज़रा मसाला जो है ऐसे पिसे हुए के, अच्छे से ग्रेवी जो बहुत अच्छी बन जाती है जब हम काट के डालते हैं, तो थोड़ा मोटा मोटा रह जाता है तो बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने पिसा हुआ डाल दिया, पिसा हुआ रखा हुआ अभी था इसलिए जल्दी की वजह से। और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे हम मिर्चें, लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची भी डलती हैं तो हम हरी मिर्ची डाल देंगे। ये हरी मिर्ची हम इसमें डाल देंगे, और 2-4 लौंग, काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची का मुँह खोल लिया है हमने इस तरह से, ये डाल देंगे इसमें, 2 तेज़पत्ते डाल देंगे, और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, और इसमें हम 150 ग्राम के करीब ऑयल डाल देंगे। आप घी भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल या सरसों का तेल भी आप डाल सकते हैं। ये डाल दिया, अब हम सब इसको मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बहुत ही, इस तरह से भी चढ़ाते हैं, सोन के चढ़ाना बोलते हैं इसको, तो गाँवों में पहले ज़्यादातर इसी तरह से बनता था, अब तो सबके अलग अलग तरीके हो गए हैं गाँवों में भी बनाने के। देखिए गैस हमने चला दिया है, और अब हम इसको आराम से पकने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह बहुत मज़े से धीमी धीमी आँच में बनती रहेगी, मीडियम गैस कर देंगे हम इसका, और इसको अब हमें कुछ भी नहीं करना है, और इसमें पानी भी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि टमाटर प्याज का और जो मटन का पानी है उसी में ही आराम से बन जाएगा। अब हम इसको ढक कर रख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखो अब हम खोल के देख लेते हैं, बीच बीच में भी हमने इसको खोल के देखा था, इसको करीब 1/2 घंटा हो गया है पकते हुए। देखिए पूरा पानी खुशक हो गया है, माशाल्लाह इतनी अच्छी इसमें खुशबू आने लगी, बहुत अच्छे से हमारा बन गया। हमने कहा बार बार आपको क्या दिखाएं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मटन भी हमारा गल गया है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं जितनी हमें इसकी ग्रेवी रखनी है। थोड़ा पानी और डाल देते हैं, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार, टेस्टी थोड़ी शुरू वाली ग्रेवी आज हमने बनाई है। तो मिट्टी की हंडिया में ये हमारा मटन बनकर तैयार हो गया है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगा इसका, क्योंकि इसका अलग ही टेस्ट होता है, तो थोड़ा शुरू वाले भी अच्छी लगती हैं चीज़ें। और अगर आपको यह हमारा बनाया हुई रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।